हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो ये वीडियो से साफ साफ आपको थंबनेल से समझ में आ गई होगी कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि कौन से बेहतर आईटीआई कॉलेजेस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट झारखंड में। वैसे तो बहुत सारे आईटीआई कॉलेजेस हैं झारखंड में, करीबन 300 के आसपास हैं। मैं सबको इस वीडियो में दिखा नहीं सकता, और ये भी जो मैं आपके सामने स्क्रीन में जो आपको पीछे दिख रही होगी ना, ये भी मैं आपको ये नंबरिंग वाइज मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। मैं बस आपको कुछ दिखा रहा हूँ कि हाँ ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको मैं सेलेक्ट करके इस वीडियो में लाया, क्योंकि मैं एक बार में सारे कॉलेजेस को एक बार में सेलेक्ट करके इस वीडियो में नहीं ला सकता था। और भी मैं इस वीडियो में 10 मिनट के अंदर ही आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जो जेसीसीबी के थ्रू झारखंड में जो आईटीआई के एडमिशंस के काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उससे रिलेटेड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रात में आई हुई थी, उसको मैं अभी इसमें दिखा दूंगा कि कैसे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई मेरिट लिस्ट में कोई नाम गलत हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो, किसी का फादर्स नेम, किसी का परसेंटेज या कोई भी मिस्टेक हो, उसको आप कैसे फाइनल मेरिट लिस्ट जो 26 तारीख को आने वाली है उससे पहले आप कैसे सुधार सकते हैं। तो बस खाली कंप्लीट आप इस वीडियो में बने रहे, 7 से 8 मिनट के अंदर मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपको इसी चैनल में देखने मिलेगी। और मैं कोई उस तरह का यूट्यूब चैनल नहीं हूँ कि मैं व्यूज के लिए सिर्फ आपको स्टार्टिंग में हर दिन 3 से 4 वीडियोज डालते रहूंगा, ठीक है। मैं आपको हर दिन का अपडेट का एक कंप्लीट वीडियो ही आपको 1-2 दिन में दिखा दूंगा, जहां पे आपको पूरा जो हो रहा है वो सब एक बार में समझ में आ जाएगा। मैं हर दिन 4 वीडियोस डाल के व्यूज लपेट के वो कोई काम अच्छा बात नहीं है, मैं बाकी चैनल की तरह नहीं करता हूँ। क्योंकि आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल में जाओगे, जब जैसे ही आप सर्च करोगे, आप हमारे पिछले वीडियोस प्लेलिस्ट सेक्शन या फिर कोई और वीडियोस के सेक्शन में जाके ऐसे भी देखोगे, तो हम लोग प्रीवियस ईयर से 2020 से ही काउंसलिंग के वीडियोस ही झारखंड के ऊपर बनाते आ रहे हैं, और वो सारे वीडियोस टॉप एकदम एक क्लास के एकदम है, जहाँ पे आपको एकदम क्वालिटी की समझ में आएगी। जैसे ये कॉलेजेस, जैसे मैं आपको सेलेक्ट करके आपको जो दिखा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले मैंने जिसका नाम रखा वो IDDR है, ठीक है, इंदो दानी टूल रूम है जो जमशेदपुर में। इसमें ITI के भी कोर्सेज होते हैं, वहाँ पे 4-5-6 कोर्सेज होते हैं। अगर आपको इस पर एकदम प्रॉपर रिव्यू चाहिए वो भी मैं आपको बना के ला के दे सकता हूँ। जैसे मैंने बहुत सारे BTech कॉलेज रिव्यूज, पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज बनाए, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, ठीक है। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे आप जुड़ सकते हो। वहाँ पे करीबन 1000 से ज़्यादा लोग आसपास हैं, जहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कुछ भी हो आप वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करो। आप नए आते हो तो ग्रुप में जितने भी पिंड वीडियोज़ हैं वो भी आप आके चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आपको बताने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग, और मैं रेगुलरली एक्टिव भी रहता हूँ, चाहे आपको कोई भी सवाल पूछना हो आप इंस्टाग्राम में आओ, ट्विटर में आओ, ठीक है, आपको हर जगह आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। आपको कोई और चैनल या कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं, आप सिर्फ आओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना, ताकि कभी भी जैसे मैं लाइव आऊँ चाहे या फिर मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँ, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और भी जैसे आपको कॉलेज रिव्यूज़ में ये सब भी है, जैसे वुमेन के भी 2-3 ITI कॉलेजेस का मैंने इसमें लिस्ट में रखा, जिसमें से एक रांची में है और एक जमशेदपुर में, फिर धनबाद की, फिर आपको बोकारो की, ठीक है, रांची, हजारीबाग, और भी बहुत सारे, डाल्टनगंज, कोडरमा में है, पलामू में, चतरम, बहुत जगह है। मैंने आपको बोला ना करीबन 300 के आसपास कॉलेजेस हैं, उन सबको मैं इस वीडियो में नहीं रख सकता हूँ। हाँ, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जैसे आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी, मैं उसको आपको आपके स्क्रीन के सामने आपको आ रही होगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, मैं आपको दिखाता हूँ JCCB की लिस्ट। आपको JCCB की जो साइट है आपके सामने स्क्रीन में, ठीक है, जो कल अपडेट हुई थी, जिसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ जो आपकी ITI की जो रिलेटेड नोटिस थी, जिसमें ये बताया गया था कि 23 तारीख के आसपास आपको वो प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें 8th क्लास वाले और 10th क्लास दोनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें 23 से लेकर 26 तक आप अपने ऑब्जेक्शंस को डाल सकते हो। ऑब्जेक्शंस का मतलब है कि आपको कोई भी गड़बड़ अपने मेरिट लिस्ट में लग रही है, तो आप उसको वहां पे सुधार के लिए jccbboard@gmail.com में कर दें। और जैसे मान लो आपके नाम मिस्टेक है, तो नाम सुधरवाने के लिए आप अपना जो ओरिजिनल नाम है उसको लिखें, और उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट को भी वहां पे ऐड कर दें, ठीक है। जैसे आपका पता चलना चाहिए ना कि हाँ आपने जो बताया वो सही है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट ऐड कर दे वो काफ़ी है। अगर कोई 8th के बच्चे कर रहे हैं तो अपना 8th क्लास का एडमिट कार्ड, चाहे मार्कशीट का कोई भी फोटो, आप अपना या आधार कार्ड का कोई भी एक ID को उसमें मेंशन कर दे, ताकि उनका फोटो खींच के चल जाए, ताकि उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये आपने जो नाम दिया वो सही है, या फिर कोई भी मिस्टेक हो आप उसके प्रूफ के साथ उसको भेजे, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी वो आपको 29 अगस्त को आएगी, ठीक है, और उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी कि आप कौन से कॉलेज चुने। और हाँ, आपका जैसे यहाँ CML रैंक आया हुआ होगा, जैसे ये है 10th क्लास वाले बच्चों के, जिसमें 20,000 कैंडिडेट्स का नाम है करीबन, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका मिस्टेक होगा, जैसे फादर्स नेम, आपका कोई कैटेगरी में मिस्टेक हो, जेंडर में मिस्टेक हो, या किसी भी तरह का परसेंटेज में मिस्टेक हो, EWS किसी का यस, किसी का नो हो गया हो, किसी को भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप jccbboard@gmail.com उनको मेल करिए, आपका ही मेल को वो देखेंगे 23 से 26 तक में, ठीक है। किसी और की काउंसलिंग अभी चल ही नहीं रही है, सिर्फ आप ही की चल रही है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपका कोई मिसकन्फ्यूजन होगा, ठीक है। इसमें आप जरूर लिखिएगा, जहां भी आप मेल करते हैं तो सब्जेक्ट में जरूर मेंशन करिएगा कि आप किस चीज के लिए कर रहे हैं,
जैसे आप आईटीआई वाले हैं तो आप आईटीआई 2021 लिख देंगे जिससे सभी को, तो उनको समझ में आ जाएगा कि आप किस बेसिस पे उनको मेल भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मेल भेजने वालों की कमी नहीं होती, वो बहुत सारे बेवकूफ लोग भी होते हैं जो मेल भेजते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो वो सब चीज़ों पे भी आप ध्यान रखें, तो आप एकदम प्रॉपर सब्जेक्ट को मेंशन कर दें जिससे उनको भी कंफ्यूजन ना हो आपको चेक करने में, ठीक है। और जैसे आप ये भी सवाल बहुत किसी के मन में आ रहा हो कि कौन से रैंक वाले किस तरह के कॉलेजेस को चुनेंगे, तो मैं आपको इस चीज़ की सियोरिटी देता हूँ कि आप इस चैनल के साथ खाली जुड़े हुए हैं, आप पिछले वीडियोस भी देख के समझ सकते हैं ना कि हमने यही सब वीडियोस बनाए कि किस रैंक वाले किस कॉलेज, और जो और अभी जो यूट्यूबर्स जो आपको समझा रहे होंगे वो सब यहीं से सीख के जा चुके हैं, वो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और मैं उस तरह से 3-4 वीडियोस पर डे नहीं डालूंगा, मैं आपको जैसे जेसीएसबी की सॉफ्टवेयर थोड़ी स्लो चलती है, वो हर घंटे अपडेट होते रहती है कुछ ना कुछ मिस्टेक्स के साथ, तो मैं प्रॉपर एक दिन में जब अपडेट खत्म हो जाएगी, जब प्रॉपर साइट वर्किंग कंडीशन में होगी, तभी मैं आपको वीडियोस के साथ समझाऊंगा। और कौन इतनी हड़बड़ी आपको है कि आपको पहले ही दिन पहले ही घंटे में आपको जेसीसीबी की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग मतलब आपको कॉलेजेस चुनना है, थोड़ा सा समय लेके टाइम लेके करेंगे ताकि आप समझ लो पहले 10 लोगों से कि हाँ भाई कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, कहाँ आपका घर के सामने कौन सा घर से दूर है, किसका फीस आप अफोर्ड कर सकते हो किसका फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आपको समझ के एक बार में चूज़ करनी है, ठीक है। तो करीबन मैं यहाँ पे आपको यही समझा दे रहा हूँ कि आपको बस अभी चैनल के साथ जुड़े रहें, फाइनल मेरिट लिस्ट जब आती है तब हम लोग इस पे बात करेंगे कि कौन से रैंक वाले बच्चों को कौन से कॉलेजेस को चुनने चाहिए, क्योंकि अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है तो बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मिस्टेक होगा जो सुधरेंगे, किसी का रैंक ऊपर नीचे होगा फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, तो कोई भी ऑब्जेक्शन करनी आप jssbboard@gmail.com में जाएं, ठीक है। और ये आपका 8th बेसिस वाले का है अपना, और मैं सबसे पहले एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जो भी 10th बेसिस करके ITI में आ रहे हैं उनको थोड़ा सा नुकसान है, अगर आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा तभी आप आएँ, वरना आप डिप्लोमा करने जाएं वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अभी आपको पीछे YouTube में हमारे चैनल का आपको दिख जा रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि हमने प्लेलिस्ट में या फिर आप हमारे वीडियोस में जाएंगे ना, तो आपको हजारों वीडियोस या फिर करीबन सैकड़ों वीडियोस आपको इस तरह से मिल जाएंगे जहाँ पे आपको आइडिया मिल जाए, जैसे एक बीटेक कॉलेज रिव्यूज़ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज़ है, एडमिशन से रिलेटेड आपको 10th वाले बच्चे के लिए आपका काउंसलिंग के वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे। आप वीडियोस के सेक्शन में जाओगे, पीछे जाके चेक करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं बार बार बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे आ जाएं, आपको चैनल से रिलेटेड अपडेट, जेसीसीबी से रिलेटेड अपडेट्स, कुछ भी अपडेट्स आपको होगा वहाँ पे उस ग्रुप में सबसे पहले देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको करीबन यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं और कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस, और मैं आगे आपको लिस्ट में बताऊंगा जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद। तो इस वीडियो में इतना ही है, जहां मैंने आपको 10 मिनट के अंदर करीबन कुछ एक आइडिया देने की कोशिश की है कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेजेस या किस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, थैंक यू।